हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरोज के किचन कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पूड़ी और रोटी के संग खाने वाली छोले की सब्जी। इसकी खास बात यह है कि आज हम इसे बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे। जैसे कि सावन चल रहा है और कई घरों में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो क्यों ना ऐसी चटपटी सब्जी बनाई जाए जो बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छी लगती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं छोले की सब्जी। लिए मैंने यहाँ पे ऐसे एक बड़ी कटोरी भर के काबुली चने लिए थे, मीडियम साइज़ वाले छोले लिए हैं यहाँ पे मैंने, और उनको 5-6 घंटे आप पानी में भिगा देंगे तो ये अपने साइज़ से ऐसे ये फूल के और डबल हो जाएंगे। अब इनको उबालने के लिए हम कुकर लेंगे और कुकर में इनको ऐसे हम जिस पानी में इसको भिगाया है उसी पानी में ले लेंगे, क्योंकि हमने इनको धो के भिगाया था। और साथ में 3 छोटे आलू ले लेंगे और 1 चम्मच नमक ले लेंगे और आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर ले लेंगे अच्छा कलर आने के लिए। अब हम कुकर को बंद करके 3 सीटी आने तक या पकने तक इनको हम कुकर में पकाएंगे। और ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च लिए है, इनको रफली चॉप कर लेंगे और मिक्सी के जार में डाल के इनको अच्छे से पीस के इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। हो गया है। और उसमें 2 चम्मच तेल ले लेंगे और ये 1 छोटा चम्मच जीरा है, ये डाल देंगे हम तेल गर्म होने के बाद। और ये 2 चुटकी हींग है। और अब हमने जो पेस्ट तैयार किया है टमाटर को पीस के, वो डाल देंगे और इसको ऐसे चमचे से मिला के और इसको हम ढक के और हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। तो पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं पूरे हाई फ्लेम के ऊपर। हमने इसे इसको बीच बीच में चला के अच्छे से पका लिया है और इसने पूरा ऐसे तेल छोड़ दिया है और इसका पानी पूरा सूख गया है। जब हमारी ग्रेवी इस स्टेज पे आ जाए तब हम इसमें मसाले दे देंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है ग्रेवी का। ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है। धनिया देने के बाद में अब हम इसमें ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर दे देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते तो ज़्यादा ले लीजिए, कम खाते तो कम। और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। मसालों को हम ऐसे अच्छे से इसमें चला के मिला लेंगे और 1 मिनट तक मसालों को ग्रेवी के संग भून लेंगे। और जब मसालों अच्छे से पक जाए इसमें, तब हमने जो ये आलू उबाल के छील के और कट कर लिए थे वो डाल देंगे। ऐसे इनको बारीक बारीक काट लिया था। आलू को भी हम ऐसे अच्छे से मसाले और ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अब हम इसमें ये 1 कटोरी ताज़ा दही डाल देंगे जो कि हमने छान के रखा हुआ था साइड में। अगर आपको दही का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप दही को स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शनल है। दही को हम ऐसे अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे जब तक कि ग्रेवी में उबाल नहीं आ जाए, इससे दही फटता नहीं है। और उसके बाद में हम नमक डाल देंगे। नमक पहले कभी नहीं डालें, नहीं तो दही फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नमक मिलाने के बाद में अब हमने जो ये छोले उबाले थे उनको उस पानी के संग ही इसमें डाल देंगे। और अपने आप ग्रेवी को पतला या मोटा जैसा रखना है उस हिसाब से आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें लेंगे ये थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गरम मसाला। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सब्जी को प्रेशर कुकर में वापस डाल देंगे और 1/2 घंटा के लिए उसके अंदर ही इसको बंद रहने देंगे, जिससे कि इसमें अच्छे से गरम मसाले और हरे धनिया का फ्लेवर आ जाएगा और सब्जी बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। ये खाने में बहुत टेस्टी है। इसे आप चावल पूड़ी रोटी किसी के संग भी खा सकते हैं। ये आप बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।